भारत में बोल्ड फिल्मों में काम कर पैसा कमाने वाली एक्ट्रेस रिया बर्डे को लेकर हाल ही में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। खबर है कि रिया बर्डे जो भारतीय बनकर इस देश में रह रही थी वो असल में बांग्लादेशी है। जी हाँ, ये सुनकर जिस तरह आपको झटका लगा है ऐसा ही झटका महाराष्ट्र पुलिस को भी लगा है। जब उन्हें इस बात की खबर लगी कि रिया फर्जी दस्तावेजों के जरिए भारत में रह रही थी, बता दें आपको ये खबर जैसे ही सामने आई वैसे ही सनसनी मच गई है। पुलिस को रिया के बांग्लादेशी होने की बात तब पता चली जब रिया के एक दोस्त प्रशांत ने इस बात का खुलासा किया। प्रशांत को जब पता चला कि वो मूल रूप से बांग्लादेश की रहने वाली है और देश में अवैध रूप से रह रही है, तो उसने फौरन पुलिस में उसकी शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने उसके दस्तावेजों की जाँच की और पूरे घटनाक्रम का पर्दाफाश कर दिया है। बता दें कि रिया बर्डे राज कुंद्रा के प्रोडक्शन से जुड़ी हुई थी और उसने कई अश्लील फिल्मों में काम किया है। वही पुलिस की माने तो रिया की मां अंजलि बांग्लादेश की रहने वाली है और वो अपनी दो बेटियों रिया और बेटे के साथ भारत में अवैध रूप से रह रही थी। रिया की मां ने पश्चिम बंगाल का होने का दावा करते हुए अरविंद बर्डे जो कि अमरावती निवासी है उससे शादी की थी और साथ ही साथ उन्होंने कई चौंकाने वाली चीजें भी कही जो कि बहुत ज्यादा हैरान कर रही है। कुछ दस्तावेज हाथ लगे हैं जो कि पूरी तरीके से फर्जी भी बताए जा रहे हैं। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने रिया के खिलाफ आईपीसी 420, 465, 468, 469, 434 और 14A के तहत मामला दर्ज कर फर्जी दस्तावेजों के जरिए भारत में रहने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। वही रिया के अलावा उनके माँ और पिता को भी आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने अपनी जांच में पाया कि रिया की मां और पिता दोनों फिलहाल कतर में रह रहे हैं, जबकि पुलिस उसके भाई और बहन की भी तलाश में जुटी है। वाकई में ये खबर काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली है, क्योंकि मूल रूप से बांग्लादेशी है रिया बर्डे और वो भारत में रह रही थी पहचान छुपाकर, और अब उनके दस्तावेज भी सामने आ गए हैं जो कि पूरी तरीके से फर्जी है। इस वीडियो में इतना ही।